अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने लगे हैं ट्राईपॉड की। बेसिकली ये ट्राईपॉड आप यूज कर सकते हैं कैमरा और आपके DSLR के लिए। सो इसका नाम है, बेसिकली ये चाइनीज वेरिएंट है, वी फेंग WT3540। चलें तो अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो बेसिकली चाइनीज वेरिएंट में इसकी जो पैकिंग है उसमें आपके पास सबसे पहले एक बैग दिया जाता है। ये नायलॉन का बैग है और इसमें अगर हम इसको ओपन करें तो अच्छा, सबसे पहले इस बैग की बात कर लें। अच्छा है काफी आपकी वाटर वगैरह के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, और एक इसमें आपको एक इसकी ये स्पोर्ट दी जा सकती है, मतलब देते हैं जिसमें आप हैंड कैरी कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैं अभी आपको इसको ओपन करके बताता हूँ। सो बेसिकली इसकी ये लुक है सारी, और एक नॉर्मल जो ट्राईपॉड होता है वैसी इसकी एक शेप है, जिसमें आपके पास स्टैंडर्ड डेफिनेटली 3 लेग्स के साथ वेरिएंट है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ है, ये बिल्कुल विदाउट इसके जो एडजस्टेबल फीट्स हैं उनको ओपन किए बगैर आप देख सकते हैं इसकी हाइट। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉर्मली अगर आपने पॉडकास्ट करनी है तो आप उसके ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो काफी स्टाइलिश है, और इसमें अगर आप नीचे की तरफ देखें तो एक हुक भी है। हुक नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं अपनी कोई भी, अगर आपने कोई चीज आपके पास है नॉर्मली जब आप अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आप वो आइटम्स आप यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें लेग्स की और इसकी मतलब फीट्स की बात करें तो जो इसकी बेस है वो आप देख सकते हैं कि मतलब नॉन स्लिप एडजस्टेबल रबर फीट्स हैं और काफी अच्छी ग्रिप ये दे देता है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल इसके, अगर मैं इसको यहां पे ओपन करूं तो बेसिकली ये इसकी स्टैंडर्ड हाइट है। अगर हम इसकी फीट्स को ओपन करें और जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल जो आपका ट्राईपॉड होता है, और अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल इसमें और भी एक ऑप्शन है जिससे आप इसकी हाइट और बड़ी कर सकते हैं, और इसके अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं इसकी स्पोर्ट, अगर आप यहाँ से इसकी स्पोर्ट भी दे सकते हैं इन केस डिपेंडिंग कि आपकी क्या फोटोग्राफी सिचुएशन है। इसके अलावा अगर हम अगर मैं इसके द्वारा बात करूँ इसकी हाइट को, बेसिकली मैं आपको इसको बताता हूँ इसकी पैन की। तो बेसिकली जो इसका पैन है वो आप 360 डिग्री पे जैसे आप देख सकते हैं रोटेट हो सकता है, और आप अकॉर्डिंगली अपना DSLR वगैरह लगा सकते हैं। तो बाकी आपकी जो हुक आएगी वो इधर आएगी जैसे कि आप ये देख सकते हैं, और इसके ऊपर आपका DSLR आएगा जो कि काफ़ी अच्छी सपोर्ट देगा, और आप मतलब अपने जो इसका एंगल है वो किसी भी स्टेज पे जाके 360 पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें आप अगर देख सकें यहाँ पे आपका जो बैलेंस है वो भी अवेलेबल है, जो आपको बताया गया कि आपका बैलेंस जो है वो भी आपको बताएगा। तो बेसिकली आप लोग देख सकते हैं कि इसमें DSLR की सपोर्ट है, और अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल की भी इसमें सपोर्ट दे सकते हैं। तो अगर मैं मोबाइल का आपको बताऊं कि इसमें जो आपको एक बताया था कि एक बैलेंस यहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा बैलेंस आपका यहाँ पे अवेलेबल है। तो इन केस अगर आप अपने मोबाइल का फॉर एग्जांपल देना चाहें तो आप वो भी मोबाइल का भी दे सकते हैं। मेरे पास बेसिकली मैंने मार्केट से मार्केट में एक अवेलेबल होता है, आप ये देख सकते हैं ये नॉर्मल हुक है जो आपने अक्सर देखा भी होगा, तो आप इसको भी अटैच कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इसका एक एक्सटर्नल होल्डर आता है जो इसके साथ नहीं आता, आपको मार्केट से परचेज करना पड़ता है। नॉर्मली इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 500 के करीब है, और जैसे कि आपको पता है कि ये जो चीज़ है आपने इसको साथ अटैच कर दिया। अब आपने क्या करना है, बेसिकली इसको इसके साथ लगाना है और क्लिप को अटैच करना है। ये जो आपका एडजस्टर है आपने इसको लूज करना है, और आप अब आप अपना जो मोबाइल है वो
फॉर एग्जांपल लगा सकते हैं ऐसे। तो जैसे कि आपको बताया कि ये आप इस तरह करके इसके कैमरे अपना मोबाइल फोन भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपना इसकी ओरिएंटेशन चेंज भी कर सकते हैं, लैंडस्केप और हॉरिजॉन्टली डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो गाइज ये था आज का रिव्यू, ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर ऐसे रिव्यूज़ आप और चाहते हैं तो ज़रूर इसमें कमेंट्स कीजिएगा।